हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो आपने देखा कि एसीए फ्रेंजर का एग्ज़ाम जो 20 सितंबर को प्रस्तावित था, वो अभी नियमावली में संशोधन के कारण कुछ समय के लिए डिले हो रहा है। और ये जो डिले है, मे भी आप मान के चलिए 15 नवंबर तक का आपका एग्ज़ाम जा सकता है। तो अभी ये ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी जो ज्ञान मेरे पास है वो आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मुख्य परीक्षा की जो क्लास जसवाल क्लासेस के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा संचालित की जा रही है, उसके बहुत सारे पार्ट के बारे में जानकारी मुझे भी है। तो वो क्लास भी आप मतलब वहाँ पर 1 सितंबर से देख सकते हैं, ठीक। इसमें आपका जो पूरा मेंस क्लास के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो अभी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो परिस्थिति निर्मित हो रही है कि आपका मेंस एग्जाम संभावित आपका अक्टूबर लास्ट या फिर आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में संभावित हो सकता है, ठीक है। मतलब संभावित है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन अपने को पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आज अपन यहाँ पर मेंस एग्जाम का जो पूरा सिलेबस है और उसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है, इस पर एक जनरल डिस्कशन अपन यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि भाई जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में आपका आप लोग 7 पेपर्स देते हैं, ठीक है। कौन कितना पेपर आपको रहता है वहाँ पर ध्यान रखना है। ये 7 पेपर्स मेंस एग्जाम में होता है। अब प्रत्येक पेपर आपका क्या है, 200 नंबर का है, मतलब कुल मिला के क्या है आपका, ये 1400 नंबर की आपका मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है, ठीक। इसमें ओवरऑल यदि आप देखते हैं पूरा ये जो 1400 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो सारे पेपर की यदि आप एनालिसिस करें तो लगभग 50% पार्ट जो आपका है वो तो पूरा छत्तीसगढ़ का ही है। आयतन में मतलब पूरा आपका छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक अध्ययन है, छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक विकास है, जनजाति कल्याण संबंधित योजना वगैरह हैं, उनका सामाजिक उत्थान से संबंधित क्या है, शैक्षणिक योजना क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। आप प्रारंभिक परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं वो और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ये टोटली डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना है। बहुत कुछ मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो आपके पास रहता है, लेकिन मेंस एग्जाम में काम क्या देता है आपका, लेखन शैली, कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, ठीक है। ये भी अपने को देखना पड़ता है कि जो प्रश्न है वो भूगोल से संबंधित है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है या सामाजिक कल्याण से संबंधित है। तो जैसा प्रश्न होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को शब्द शैली होना चाहिए, तब अपने को एक अच्छा नंबर वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला जो पाठ है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी जो टारगेट रहेगा वो टारगेट यही रहेगा कि कंप्लीट सिलेबस तो अभी अपन नहीं कर पाएंगे जो अगला मेंस एग्जाम होने वाला है, लेकिन मेन जो आपका पेपर 4th और पेपर 5th है। पेपर 4th क्या है, पूरा आपका साइंस वाला पार्ट है, ठीक। और पेपर 5 में आपका क्या है कि भारत और छत्तीसगढ़ के संबंध में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, आए ध्यान में। तो 4th नंबर का पेपर और 5th नंबर का पेपर ये हम लोग क्या करेंगे, 1 सितंबर से अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास को भी आप अटेंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि मेंस एग्जाम की तैयारी क्या होती है और उत्तर देने का या लिखने का तरीका क्या होता है, कि भाई वही प्रश्न अपने को क्या है 2 नंबर का आ रहा है, वही 4 नंबर का है, वही 8 नंबर या 15 नंबर का है। तो हर जगह हमारा उत्तर किस तरीके से, उसकी प्रस्तावना बनेगी किस तरीके से, बीच का मीटर कवर करेंगे और किस तरीके से आपको निष्कर्ष निकाल करके आंसर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जैसे जैसे समय आते जाएगा उसके हिसाब से बताता जाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी अपन यहाँ पर देख रहे थे 7 पेपर जिसका 50% पार्ट क्या आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं
कि पूरा अध्ययन का जो समय है मेंस एग्जाम के समय वो संविधान को पढ़ रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं आयकान में। तो आपको ध्यान रखना है संविधान इतिहास को आप पढ़िए, लेकिन उसका वेटेज भी आप देखिए कि भाई कितना उसका इम्पोर्टेंस है आयकान में। तो भाई एक तरह आपका क्या है, संविधान इतिहास है। अब संविधान इतिहास जितना आप पढ़ रहे हैं उतना उससे छत्तीसगढ़ भी पढ़ लें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचाएगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकांश बच्चे क्या होता है, अधिकांश बोलने का मतलब 90% स्टूडेंट आपका जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें 100 मार्क्स क्रॉस करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जबकि साइंस मतलब इतना इजी वे में है। खास करके वो लोग जो ACF के रेफरेंस में केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं या बायोलॉजी एनवायरनमेंट को पढ़े हैं, तो वो यदि मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरा कोई भी स्टूडेंट है जो अभी ACF की तैयारी किया है और मेंस एग्जाम यदि दे रहा है, वो तो मेंस एग्जाम में यदि आपका 120 से कम ला रहा है तब तो उसको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि वो जसवाल क्लासेज या जसवाल सर से पढ़ा हुआ है आयकान में, क्योंकि आपको इतना पढ़ा दिया गया है कि आपको आराम से 120 क्रॉस करना है कि भाई 200 नंबर का आपका मेंस एग्जाम है, 50 नंबर आपका क्या है मैथ्स वगैरह का पार्ट है आपका, जिसमें आपका मीन मोड मीडियम लॉ प्रोबेबिलिटी वगैरह से बिल्कुल जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। और 150 मार्क्स आपका क्या है साइंस का है, तो मेंस एग्जाम में अपन जब जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें तो 100% आपको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अपन जितना ACF के रेफरेंस में पढ़ चुके हैं तो एक एक प्रश्न वहां पर बनना चाहिए आपको, ध्यान रखिए। तो एक अपन तैयार कर रहे हैं यहां पर पेपर फोर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पेपर फोर्थ में सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि अभी जैसे हमने पर्यावरण की इकोलॉजी की बुक को अपन ने पब्लिश किया, ठीक है, तो इसमें हमारा दो चीज़ है, एक तो हमने आपको ये बताया हुआ है कि जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है उसमें जो 6 सेगमेंट हैं उस 6 सेगमेंट में अपने को ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पे जो उसका क्वेश्चन है ये ध्यान रखेंगे, ये आपका 1 सितंबर से भी आपका चालू हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो जसवाल क्लासेस का ऐप है उसमें उस बुक के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो बुक आई हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको 25-30 क्वेश्चन क्या मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा आयतन में। साथ ही आप ये भी ध्यान देना कि उसी बुक के अकॉर्डिंग आपका मेंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स आए हैं आयतन में, मतलब हम ये समझ लें कि भाई यदि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 टेस्ट दे रहे हैं, कितने टेस्ट अपन दे रहे हैं यहाँ पे 5 टेस्ट दे रहे हैं, तो 5 टेस्ट दे रहे हैं मतलब आप ये समझ जाइए कि 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो आपको रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ प्रत्येक टेस्ट के साथ आपको मेंस एग्जाम से संबंधित जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आए हैं उनको भी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है या जो प्रीवियस 5 ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनका पूरा सॉल्यूशन करके यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा आयतन में। तो जो ACF है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी तैयारी होते रहेगी, और साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ACF एग्जाम का फॉर्म नहीं भरे थे कि मेंस एग्जाम अपने को देना है, तो वो लोग भी अब मेंस एग्जाम के साथ साथ अपना ACF की तैयारी को भी कर सकते हैं, तो ये दोहरा लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। करना कुछ नहीं है भाई, जो ACF की तैयारी कर रहे हैं अपने ACF की ही तैयारी करें आयकान में। हाँ, यदि आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह में थ्योरी का आंसर अपन कैसे लिखना है तो उसको देख सकते हैं, और बाकी जो नए बच्चे हैं केवल जिनको अपना मेंस एग्जाम की तैयारी करना है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि उस पर्यावरण इकोलॉजी की बुक को आप लीजिए, उसमें जो टू द पॉइंट दिया हुआ है उसी को पैराग्राफ में कैसा लिखना है ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक काम ही हो जाएगा, तो आप उस पर्यावरण वाली जो बुक है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ करके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके जो थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए भी पूरा अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाइए। ये हम लोग 5 टेस्ट लेंगे, 5 टेस्ट मतलब अपना लगभग 15 तारीख तक का हमको 5 टेस्ट इसमें लेना है। आप ध्यान रखना कि जो ACF का एग्जाम है, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ज़्यादा फोकस करूँगा आपको रिविजन के लिए, समझ में आया ना, आप रिविजन कीजिए, टेस्ट में बहुत बड़ा बड़ा टेस्ट अभी नहीं लूंगा, अभी ध्यान रखना है ऐसे 25-25 क्वेश्चन के छोटे छोटे टेस्ट आपके चलते रहेंगे, और जब हमारा प्रॉपर डेट डिक्लेयर हो जाएगी कि भाई ऐसी एग्जाम की डेट हमारी है तो उस समय फिर अपन 5 टेस्ट लेंगे, कंप्लीट टेस्ट लेंगे, लेकिन उसके पहले आपका ये 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट हमारे चलते रहेंगे। सेम इसी तरीके से इकोलॉजी एनवायरमेंट से संबंधित
ये हमारा टॉपिक 15 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। इसी बीच हमारी जो फॉरेस्ट्री की बुक है वो भी लगभग क्या है कि 20 सितंबर तक का एनी हाउ तैयार हो जाएगी। फिर फॉरेस्ट्री वाली जो बुक है उसमें भी सेम वैसी टॉपिक आपका चलेगा कि आपका 25 क्वेश्चन के अपन ऑब्जेक्टिव उसको लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब तैयारी करने का एक तरीका, ठीक है। और साथ में जो मेन्स एग्जाम के अपन बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो मेंस एग्जाम में ये अपना इकोलॉजी एनवायरनमेंट चलेगा। और साथ ही साथ क्या जो पेपर 5th आपका दिया हुआ है, 5वें नंबर का पेपर जिसमें आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, वो वाला पार्ट भी मेरे द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। और आप उस क्लास को भी जब आप अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तक जिनको लगता है कि नहीं यार इकोनॉमिक में एक समझ में नहीं आता है, बहुत टफ होता है आयतन में कि छत्तीसगढ़ में हम किस तरीके से अर्थव्यवस्था को करें, तो आप ये मान के चलिए कि उस क्लास को करने के बाद आपके लिए सारी चीजें बहुत ही सरल हो जाएंगी आयतन में। मतलब जो बड़ी बड़ी पुस्तकों को देख करके आप भयभीत होते हैं कि यार मतलब इसको मैं भुगतान संतुलन है इसको कैसे समझूं, जीडीपी क्या होता है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना है, श्वेत क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है आयतन में, या जो भौगोलिक अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न वगैरह हैं उनका भी आप एक्सप्लेनेशन को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मतलब एक सेलेक्टेड पर्सन के संपर्क में रहना या उसके दिशा निर्देश में पढ़ना और नॉर्मल व्यक्ति जो कि खुद कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाला है और कोचिंग संचालित करने का प्रयास कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहना। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जटिल बना देते हैं। जटिल क्यों बना देते हैं कि भाई उनको खुद को मालूम ही नहीं है वो चीज़। तो भाई जैसे कोई एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को क्या है कि वो आधे घंटे पौन घंटे में सॉल्व करेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आधे घंटे पौन घंटे में आपको सॉल्व नहीं करना है भाई, इसको आपको 10 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको सिखाना है। और ये आपको वही सिखाएगा, ध्यान रखना, कि जिसने खुद एग्जाम दिया हो कभी या जिसने सफलता का स्वाद चखा हो, समझ में आया कि नहीं। मतलब आप ये समझ जाइए पढ़ाने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, पढ़ा लेंगे, एक से एक विद्वान रहते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक का हम खुद एक किसी एग्जाम को ना दें, ठीक है, तब तक का क्या है हमको एक आइडिया नहीं हो पाता है कि किस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ध्यान रखेंगे आने वाले समय में जो मेरा वीडियो रहेगा वो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो आपका मेंस एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, और साथ ही साथ आपका पेपर 5th नंबर पर जो आपका जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है उससे संबंधित लेक्चर को आप देखेंगे और मेंस एग्जाम की जो तैयारी है उस दिशा में भी आप कार्य करेंगे आयतन में। तो ये भी हमारा 1 सितंबर से लगभग मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी बुक्स वगैरह या मेरे कुछ जो लेक्चर वगैरह होते हैं तो वो आपको कहाँ से प्राप्त होगा, इससे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है इस नंबर पर आप ले सकते हैं 9111 4714 1439, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके जो भी मेरे द्वारा बनाए गए मेंस एग्जाम के लिए नोट्स वगैरह हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस नंबर पर संपर्क करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं।